हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंतर्गत आखिरकार बैच नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है, बैच नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी, आखिरकार कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उस पर बैच नंबर जरूर होता है। आप किसी प्रोडक्ट को जैसे बिस्किट ही खरीदते हैं तो उस पर आप देखिएगा बैच नंबर, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं और तमाम चीजें, कितनी एनर्जी है, कितना शुगर है, ये सब चीजें दी होती हैं। तो आखिरकार बैच नंबर को क्यों जरूरी है, देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट आता है ना तो उस समय बैच नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो रिटर्निंग के लिए बैच नंबर का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप बड़े पैमाने पे चाय बेचने का काम करते हैं, टी का कारोबार करते हैं, तो मान लीजिए कि आप जो है सीधा जो टी है उसको परचेस करते हैं टी गार्डन से, यानी अगर मान लीजिए एक जो है क्रिएटर पार्टी आपकी पश्चिम बंगाल की है और दूसरी पार्टी असम की है, तो ऐसे में आप दो जगहों से टी प्रोडक्ट टी परचेस करते हैं, तो जब बैच नंबर नहीं होगा तो ऐसे में आपको परेशानी आएगी। अगर मान लीजिए कोई माल डिफेक्टिव निकलता है तो ऐसे में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज होती है एक्सपायरी की। देखिए यहाँ पर जो ये स्क्रीन ओपन है तो ये जो है गेटवे ऑफ टैली है, देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ टैली है। और अगर आप यहाँ से बैचेस को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके F11 प्रेस कीजिए और यहाँ देखिए ये आपको मिलता है इनेबल बैचेस, तो यहाँ से आप इसको यस करेंगे और यस करते ही आपको यहाँ मिलेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको यस कर दीजिएगा और यस करके पूरा इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको कैसे एक्सेप्ट कराना है। तो फायदा ये होगा कि आप आइडेंटिफाई बड़े आसानी से कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। बैच नंबर इसीलिए जरूरी है, आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखिए उस पर बैच नंबर जरूर होता है। तो टैली में अगर बैच नंबर ऑप्शन आप नहीं डालते हैं तो जो है इसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप कहीं काम करते हैं तो बैच नंबर जरूर डालिए, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि बैच नंबर का क्या महत्व है, ठीक है। थैंक यू।